तो दोस्तों देख सकते हैं पीछे डेकोरेशन हो चुका है मेरा कंप्लीट। अब आप लोग बताइए कि डेकोरेशन कैसा है मेरा। तो मेरी बैक हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है कुछ खास दिन, तो आपको पूरा व्लॉग देखना होगा उस खास दिन के लिए कि आज क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों तैयार हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। देखिए भाग रहे हैं वीडियो में आने से, और इधर बउआ भी तैयार है। हाय बोलो, हाय हाय करो। नहीं करोगे? नहीं करेगा ये हाय। तो चलिए चलते हैं मंदिर। पहुंच चुके हैं लड्डू लेने के लिए, बेसन के लड्डू तो ले लिया हमने। अब चल रहे हैं मंदिर की तरफ, हमारा शिव पार्वती मंदिर। फिर तो पहुंच चुका मंदिर में, सजावटें चल रही हैं कल के लिए, मतलब आज के लिए। जन्माष्टमी है आज, देख सकते हैं पंडित जी भी लगे हुए हैं और भी लोग लगे हुए हैं जन्माष्टमी की तैयारियों में। यहाँ पे लोग शैतानियाँ स्टार्ट है, वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो पूजा स्टार्ट होने वाला है, पंडित जी आ गए हैं। तो दोस्तों हम लोग का पूजा वूजा तो हो गया, अब चल रहे हैं घर की तरफ। तो दोस्तों हम लोग घर पहुंच चुके हैं। हम तो अब हम पहुंच चुके हैं सब्जी लेने के लिए। तो पनीर ले रहे हैं हम लोग चचा के यहाँ से, और ये सब मसाले भी रखते हैं ये, और पनीर तो ले लिया है अभी। तो पनीर तो ले लिया यहाँ से, बाकी सब्जी देखते हैं अभी आगे। पापा पैसा दे रहे हैं अभी, कोई पनीर और चीनी वगैरह तो लेके आ गए हैं। अभी देखते हैं सब्जी, अभी आया नहीं है, अभी सब्जी लेने जाएंगे। तो अब जा रहे हैं हम लोग मंडी सब्जी लाने के लिए। तो चलिए चलते हैं मंडी की तरफ। हम और पापा निकल चुके हैं मंडी के लिए अब। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं मंडी, और यहाँ से मंडी स्टार्ट होता है और आगे सब्जी वगैरह मिलता है। आप देख सकते हैं ट्रक लगी हुई है बहुत सारी, जिसे सामान आता है। और इधर से देखिए उधर फल मिलता है इधर, और यहाँ अभी फल भी मिलेगा और आगे सब्जी भी मिलेगा। पूरा मंडी है बरेली का, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती है जो लोकल मार्केट होता है वहाँ से। और इधर देख सकते हैं प्याज पूरा बोरा बोरा उतरा हुआ है, और इधर आलू भी है, देख सकते हैं आलू लोड हो रहा है। पापा तो हमें यहीं छोड़ दिए हैं, और इधर सामान वान है नीचे अभी, और खुद गए हैं और कुछ सामान लाने के लिए। बाइक लेके आ गए हम लोग, ऐसे सामान रख लिए ऊपर ही, और अब निकल रहे हैं घर की तरफ। अभी फल वगैरह भी लेना है, तो फल वगैरह भी देखेंगे उसके बाद जाए। तो दोस्तों फल, क्योंकि आज जन्माष्टमी है इसकी वजह से फल वगैरह भी लेके ही जाएंगे यहाँ से। मंडी आए हैं तो फ्रेश फल मिल जाएगा यहाँ पे। दोस्तों मंडी से तो सामान ले लिया है हम लोग, अब फल वगैरह भी देख रहे हैं। फल वगैरह बाहर ही मिलता है इस समय, और चलिए देखते हैं फल वगैरह लेंगे अभी यहाँ से। तो दोस्तों सब्जी और फल तो ले लिए हैं, अब जा रहे हैं मछली के लिए, क्योंकि एक्वेरियम में मछली भी बहुत कम बची है, तो उसमें मछली भी डालना है अभी। तो मछली देखते हैं, मछली मिलता है तो मछली लेंगे अभी आगे से। मछली की दुकान तो सामने है लेकिन बंद है अभी, तो हम यहाँ माला लेने के लिए आए हैं अभी। तो फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा थकावट हो गया है, इतना ज़्यादा सामान था कि लाने में थोड़ा दिक्कत हुआ। चलिए कोई नहीं, घर पहुँच चुके हैं अब। दोस्तों दूध लेके तो आ गए हैं, अब जा रहे हैं सजावट डेकोरेशन का थोड़ा बहुत सामान जो है वो लेने हैं, और उसके बाद फिर केक लेने जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों बर्थडे का जो भी सामान था सजाने का वो ले लिया है ये अभिषेक भैया, और इधर है हमारे अन्नू भैया, फ़ोन चलाते रहते दिन भर। केक लेने के लिए केक था नहीं, लेकिन भैया ने जुगाड़ करके मंगा दिया है हमारे लिए केक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। दोस्तों केक और जितना भी सजाने का सामान था वो तो हम लेके आ चुके हैं घर पे, और ये आप देख सकते हैं पीछे बलून्स वगैरह फुलाए जा रहे हैं। डेकोरेशन दोस्तों इसी दीवार पे होगा, तो चलिए डेकोरेट तो मैं ही करूँगा। तो चलिए डेकोरेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपनी डेकोरेशन कितना गंदा करता हूँ मैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पीछे डेकोरेशन हो चुका है मेरा कम्प्लीट। अब आप लोग बताइए कि डेकोरेशन कैसा है मेरा। तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ अपना पूरा डेकोरेशन। देखिए दोस्तों यही डेकोरेशन है मेरा, अब आप लोग बताइए कैसा है कमेंट करके।
यहाँ पे आप देख सकते हैं संजय अंकल आ गए हैं, खैनी पीट रहे हैं और इधर दादा बैठे हुए हैं, मेरे को और इधर मामा जी हैं। इन्हें आप पहचान जाइए, यही रहेंगे अब, इन्वर्टिस में है ये। दोस्तों हम यहाँ पे तैयार हो गए और बबुआ भी पीछे तैयार हो रहा है, देख सकते हैं वो कृष्ण जी बनेगा आज और मौसी उसको तैयार कर रही है। हाय बोलो। हाय। कृष्णा जी अभी एटीट्यूड में है, हाय नहीं बोलेगा अभी। देख सकते हैं टीका तो मैंने कर दिया है, बाकी ये कर रही है सिद्धि इसको तैयार। ये देखिए टीका मैंने किया है, बाकी जो है ये सिद्धि कर रही है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे केक वगैरह निकल चुका है और मैंने इसको जो रिबन होता है साइड वाला वो लगा दिया है मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों मिलके केक काटेंगे क्योंकि आज दोनों का बर्थडे है, कृष्ण जी का भी है और इसका तो है ही, तो कृष्णा जी का भी आज वही सेम कटेगा। टीका तो कर दी है, फूल वूल छीट रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये दीपक जला है, आरती होगा। अरे गाना मत चलाओ। और यहाँ देख सकते हैं सब अपना अपना कैमरा लेके वीडियो, और यार अंकल देखिए बलून फुलाने में लगे हुए हैं, जब फोड़ने के टाइम में तो फुला है। और अब नानी टीका कर रही है। अब मौसी आ गई है जिनकी बेटी है, वही लेट आई है टीका करने। अब यहाँ देख सकते हैं पापा को केक खिलाया जा रहा है। हाँ आरती दिखाने सबसे लेट गए थे, बहुत लालची हैं। खाने के लिए पहले पहुंच गए।
चलिए ज्यादा नहीं खाना बउआ कहते कि हमरा को खिलाई थी ना अब यहाँ पे मम्मी को केक खिलाया जा रहा है मम्मी केक खाती नहीं है केक निकल चुका केक बिस्किट मिक्सचर और मिठाई तो चलिए इसको खाते हैं देख सकते हैं पूरी कम बिला रहा है और मोबाइल ज्यादा चल रहा है देखिए मोबाइल अभी रखाया है और इधर देखिए रूपा आंटी लगी हुई है और नानी लगी हुई है और सोनम आंटी लगी हुई है पूरी बेलने में और ये देखिए मोबाइल चलाने अभी भी देखिए मोबाइल ऑन है देखिए देखिए दोस्तों काम कम और फोटो ज्यादा और अंदर मम्मी और मौसी लगी हुई है पूरी को छानने में अब अच्छा एक छानने गिनने में उधर बैठे हैं सेठ जी मतलब गौतम अंकल और उनके बगल में सुमित अंकल और उधर पापा सिलेंडर पर ही बैठ गए अंकल मार सुरती लपेटले हैं और इधर दादो लपेटले हैं अपना सुरती और इधर अंकल लपेटले हैं इधर कृष्णा जी अब प्रखर लगा हुआ है मोबाइल में और उधर वो भी मोबाइल में तो सब अपना अपना मोबाइल में लगा हुआ है लेकिन ये दोनों को देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं सुरती लगेटे में तो यहाँ पे खाना पीना चल रहा है अब और देख सकते हैं
हाय बोलो, हाय बोलो। और संजय अंकल सब बैठ के खा रहे हैं अभी। तो दोस्तों खाना पीना तो हमारा हो गया है, तो इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। तो जय हिंद जय भारत। और ये रहे हमारे मामा जी। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा जन्माष्टमी का पूरा सीन। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।